भारत की आजादी के बाद से ही प्रतीक्षतरत नर्मदा तट स्थित खेड़ी घाट से रेवा भागीरथ गौशाला तक लगभग 5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन विधायक सचिन बिरला ने किया। बुधवार को ग्राम रामगढ़ में आयोजित भूमि पूजन समारोह में विधायक और साथियों ने कुदाल चलाकर सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के लगभग 150 आश्रमों के साधु संत एवं 15 ग्रामों के निवासी इस 4 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण की मांग पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। इस सड़क से परिक्रमा वासी भी गुजरते हैं और उन्हें बड़ी सहूलियत मिलेगी, साथ ही ग्रामवासियों और विद्यार्थियों तथा तीर्थयात्रियों का भी आवागमन सुगम होगा। विधायक ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि ग्रामों में जल निकासी हेतु सड़क क्रॉसिंग पर पाइप लगाकर और खेतों के बीच भी सिंचाई हेतु आवश्यकता अनुसार सड़क क्रॉसिंग पर पाइप बिछाएं ताकि किसानों को सिंचाई हेतु सड़क नहीं खोदना पड़े। साथ ही सड़क की चौड़ाई 12 फीट तथा दोनों ओर 6-6 फीट साइड पटरी निर्मित की जाए एवं बीच सड़क पर लगे विद्युत पोल को यथोचित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। विधायक ने ग्रामवासियों से सड़क निर्माण में सहयोग का आह्वान किया है। विधायक ने ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियों की मांग पर कहा कि कटघड़ा फाटे से रतनपुर बेड़ी तक 2.5 किलोमीटर सड़क विस्तार हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे। फाटक से लेकर रामगढ़ गोशाला तक 4 किलोमीटर की यह सड़क जिसकी लागत 4,85,90,000 है, माँ नर्मदा का परिक्रमा पथ भी है ये, और ये सड़क गाँव को जाने वाली भी है। 15 से 20 गांव इस सड़क से लाभान्वित होंगे और एक सुगम बाईपास जिसकी बरसों से प्रतीक्षा थी, आज वो काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आदेश पर निर्देश पर ये पैसा आया। हम सब लोग उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते बधाइयां देते हैं और माँ नर्मदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर खूब कृपा करे ऐसे भाव सभी संतों की ओर से व्यक्त करते हैं। और इस अवसर पर ग्रामीण जनों की छोटी मांग 1,700 मीटर की ओर रह गई है, कल ही पत्र लिखेंगे और हो सकता है वो भी काम शीघ्र अतिशीघ्र चालू हो और हमारा बिमलेश्वर महादेव मंदिर तक एक सड़क जाएगी, ऐसे भाव भी व्यक्त करते हैं और सभी ग्रामवासियों की तरफ से बहुत हर्ष व्यक्त करते हैं, उनका आभार भी करते हैं। खरगोन बड़वा से यूडी न्यूज के लिए सोनू नायक की रिपोर्ट।